प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास सेवन के मेरे प्यारे से बच्चे, बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से कंबाइन लेक्चर अपना होने वाला है। तो हम थोड़ा सा आपका सीबीएसई बोर्ड भी कवर करते हैं, बिहार बोर्ड तो कम्प्लीटली कवर किया जाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे आपके लिए, लेकर ले आया हूँ माध्यमिका और बहुलक का जो चैप्टर चल रहा था आपका आंकड़ों के प्रबंधन में। माध्यमिका बहुलक जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो कुछ पार्ट बच गए थे आपका, आज हम मीडियन और मोड कवर करेंगे। ठीक, उस पर कुछ हम आपको एमसीक्यू भी करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज इस प्यारे से लेक्चर को। तो आज जो पढ़ने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। ये चीज़ आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझना है। आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, माध्यक के बारे में, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में माध्यिका या माध्यक बोलते हैं। ठीक, ये देखो ये दो टाइप से हम निकालेंगे इसको। पहले तो निकालेंगे, अगर मान लो कि आपको निकालना पड़े कोई संख्या हो 1, 3, 4, 5, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास 5 डिजिट है। 5 क्या है सर? विषम संख्या है। यहाँ बोले तो ये क्या है आपका? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक, तो जब विषम संख्या होगा ना, तो उसके लिए फार्मूला सिंपल है। माध्यक का फार्मूला है m = n+1/2 टर्म, ट्वेल्थ मतलब इनवा टर्म या उसका ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा। चलो करते हैं सर, पहले तो आरोही क्रम में सजा लिए हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो लिखेंगे 5 + 1/2 व टर्म, ये हो गया 6/2 टर्म, यानी यहाँ पर 3 बार में कटेगा, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 1, 2, 3, इसका माध्यक जो आ गया 4 आ गया। ठीक है, और एक बार निकालेंगे अगर इसका ऐसा कुछ हो जाए, जैसे रहे कि सर 2, 3, 5, 12, 17, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा सवाल आ जाए, तो इस केस में हमको करना क्या होगा? फार्मूला इसका होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 एक और लेते हैं 6, यहाँ पर लेता हूँ सर 26। ऐसे सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे सर, 1, 2, 3, 4 6 संख्या है, n = 6 है, जो क्या सम संख्या है, सम रहेगा तो फार्मूला रहेगा 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। ठीक है, अब चलो n क्या है 6, तो लिखेंगे सर 1/2 6 वा टर्म, यानी 6/2 टर्म प्लस 6/2 + 1 टर्म, तो ये कटेगा 3 बार में तो यहाँ आएगा सर 1/2 थर्ड टर्म आएगा, यहाँ पर आएगा थर्ड टर्म, यहाँ पर आएगा सर फोर्थ टर्म। अब चेक करें सर थर्ड टर्म में क्या है, 1/2 थर्ड टर्म में क्या है सर, 1, 2, 3, 5 है। फोर्थ टर्म में क्या है सर, 12 है। बस 12, 5 जो है 17 हो जाएगा, 17 का 2 कर देंगे, 17 का आधा कितना हो जाएगा, 8, 16, 16 + 8.5 आएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पर हम सवाल करने वाले हैं। तो पहले आपको हम निकालते हैं नोट्स में कहाँ तक पढ़ा दिया गया था आपको, और आज आपका चैप्टर भी एक फिनिश करेंगे 7.2। हाँ, हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है बच्चों जी क्या? हाँ सर, चलिए अब याद आ रहा है तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज हम पहले कुछ बहुलक के बारे में लिखे। बहुलक क्या होता है? कोई देखो ऑब्जर्व, बहुलक मेरे बारे में कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैं एक टर्म एक मैं आपको डेटा लिखी, एक आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, 2, 2, 2, 4, 8, 12, 20, 17। आप देखेंगे इसमें कौन संख्या अधिकतम बार आया है, तो आप इसमें देख रहे हैं सर 2 मैक्सिमम बार आया है, 2 आया है 3 बार, 4 है 1 बार, 8 आया है 1 बार, 12 आया है 2 बार, 17 है 1 बार, लेकिन सबसे अधिकतम बार किस कौन संख्या रिपीट हुआ है, 2। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर 2, तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा। तो बात वही कह रहा है, इसमें डिफिनेशन भी वही लिखता है इसका। थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, चलो नोट हो गया। बहुलक के बारे में, किसी आंकड़ों में सबसे अधिकतम सामान्यतः पाया जाने वाला मान, जो वैल्यू सबसे अधिक बार पाया जाएगा उसे कहेंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिया था, लिखा हूँ इसमें, कुछ एज वाले व्यक्ति हैं, 54 साल वाले 3 व्यक्ति थे, 55 साल वाले 1 व्यक्ति, 56 साल वाला 1 व्यक्ति, 57 साल वाला 2 व्यक्ति, 58 साल वाला 2 व्यक्ति, 60 साल वाला 2 व्यक्ति। तो हम इसकी सारणी बना के भी बता सकते हैं, देखते हैं किसकी से 3 बार आए हैं 54 साल वाले, तो इसका 54 वर्ष वाले इसके बहुलक हो जाएंगे।
एक क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है पर द मोड ऑफ द डेटा, इसमें डेटा का मोड बताइए। तो देखिए जो संख्या बहुत बार आया होगा, तो मैं ऑप्शन ए कहा हूँ 23, इसमें 23 देखो 1, 2, 3 बार 23 आया है, बाकी संख्या इतने बार नहीं आए हैं, चेक कर लीजिए। 22 है एक बार, 26 है मात्र 2 बार, 29 है मात्र 2 बार, लेकिन 23 3 बार आया है। चलो अब मीडियन के बारे में जो पहले बता दिया हूँ थोड़ा लिख लीजिए, सिर्फ पहले समझा दिया हूँ। हो गया, चलिए अब इस पर कुछ सवाल भी कर लेते हैं। जैसे कि अब इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, अगर संख्या इवेन हो जाए यानी सम संख्या हो जाए तो आप ये वाला टर्म लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हूँ, ऐसे पहले करा देता हूँ, हाँ दोनों तो करा है, दोनों किस्त तो करा दिया हूँ, केस वन केस टू। केस टू में क्या है सर, अब एक सवाल कीजिए, जिस सवाल पूछा गया था कि 3, 7, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या है, ये क्लास टेंथ पूछा गया है, क्लास टेंथ में आप क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे पहले एक, पहले इसको सब सजाएंगे बढ़ते क्रम में। तो आपने सजा लिया असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ आपने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, तो इसको क्रम चेक कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्या है सर, सम संख्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होगा 8/2 और 8/2 + 1, यानी एक बार आप चेक करेंगे चौथा पद और एक बार पांचवा पद, चौथा टर्म पांचवा टर्म, चौथा टर्म क्या है 7 और पांचवा टर्म क्या है 8, 7, 8 है, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे तो आपका माध्यक आ गया, मीडियन आपका आ गया 7.5। एक क्वेश्चन और आपके लिए कि आपके पास एक प्रेक्षण दिया गया, सर मैं थोड़ा लेक्चर जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि क्लास 3 में से बच्चों की क्लास है और मेरे पास टाइम कम है, इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा फास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा होगा, डाउट तो नहीं, छोटा सा चैप्टर है, ऑब्जर्वेशन दिया गया है इसको, इसके माध्यक पूछा गया, आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कितनी संख्या है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्या है ऑड नंबर है, बहुत आसान हो गया, सिर्फ एन प्लस 1/2 कर दीजिए, 7 + 1/2 8, यानी 4 बार कर, चौथा टर्म क्या है 1, 2, 3, 4, 12, तो इसका 12 आंसर हो गया, सिंपलीफाई क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते सर ग्राफ के बारे में, डंडा लेख के बारे में, इसके आप क्वेश्चन इजी कर सकते हैं बहुत आसान, देखो इसके बारे में थोड़ा इसका जानकारी क्या रखिएगा, जो इनकी चौराई होती है ना, इसका देखिए इसका चौराई, इसका चौराई, सब जितने आलेख होंगे दंड आलेख चौराई समान होती है, दूरी भी सेम होगा, देखो इसका दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, दूरी क्या है समान होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं, और इसको आप कलरफुल बना सकते हैं, सब अलग अलग कलर से कर देंगे तो आपको दिखता होगा, मान लीजिए किसी का ग्राफ होगा ये किसी का होगा, इजीली समझता है, इसे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, इसे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, आसान है, कहते हैं बार जो होते हैं भाई आइदर वर्टिकल, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल, अब बार को कहता है कि बार ग्राफ को आप ऐसे भी, दंड आलेख को आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो जैसे कि दंड आलेख ऐसे ही बनाया जा सकता है, दंड आलेख को आप ऐसे ही बना सकते हो, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे, लेकिन कहता है कि ज़्यादा ये अच्छा होता है, ठीक है, ये अच्छा ज़्यादा अच्छा होता है ये वाला लिखा गया, लेकिन जो वर्टिकल वाले होते हैं बता, जो हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, लेकिन ऑफन वर्टिकल बार्स इज द गिवन बेटर लुक, अच्छा दिखता है, बेटर लुक होता है। अगला पॉइंट कहता है प्रॉपर्टीज का, द हाइट ऑफ और लेंथ इंडिकेट वैल्यूज, इसका हाइट जो भी होंगे बताएंगे किसकी क्या है, जैसे मान लो कि ये दिखा रहा कि मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दूँ 2, 5 ऐसे लिख रहे, तो ये बता रहा है 5, ये बता रहा होगा मान लो 15, कुछ ये हाइट बताते हैं, इसकी वैल्यू बताते होंगे मान को, इसकी चौड़ाई जो होता है बच्चे ऑलवेज रिमेंस बराबर होता है, इक्वल चार्ज, सबका चौड़ाई सेम सेम होगा, सबके दूरी भी बीच बीच में गैप बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत बड़ी तरह से आनी चाहिए, क्लियर है, क्लियर है। अब सर डबल बराबर क्या होता है, डबल वाला बहुत ईजी होता है, डबल वाला है ना कि आपको ईजिली किसी भी चीज़ को बता सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, नोट हो गया, नोट हो गया, चलिए बड़ा 11 बन गया, चलो मैं दिखा रहा हूँ जो रेड कलर वाला है ना अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक बताता है, और जो ब्लैक कलर का है ना ये बता रहा है, ये बता रहा है वार्षिक परीक्षा का अंक, चेक कीजिएगा, मान लो यहाँ पर अनिश नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एग्जाम दिया, तो उसके लाल वाला क्या दिखा रहा है 10, यानी उसके अर्धवार्षिक में कितना नंबर आया होगा 10, लेकिन उसका ब्लैक दिखा रहा है 15, लेकिन उसका जो फाइनल एनुअल एग्जाम हुआ अच्छा नंबर ला दिया, ठीक है। वैसा ही एक सायसा नाम का कोई लड़की है, इन्होंने परीक्षा दिया है सर, तो इनका रेड दिखा रहा है, अर्धवार्षिक में तो इनका नंबर अच्छा था, इन्होंने शुरू शुरू में अच्छा पढ़ाई किया होगा तो 20 लाई, लेकिन जैसे इसका फाइनल एग्जाम हुआ ब्लैक दिखा रहा है कि 15 की, यानी कुछ नंबर कटौती हो गया, इनका डिक्रीज दिखा रहा है। फिर दिलीप नाम का व्यक्ति है जो 25 दिखा रहा है पर अर्धवार्षिक में, फाइनल में दिखा रहा है बहुत अच्छा स्कोर, बहुत गुड बॉय। फिर वहीं पर एक निशा नाम की लड़की है जो 30 नंबर दिखा रही है अर्धवार्षिक में, और ब्लैक दिखा रहा है, ब्लैक क्या बता रहा है, ब्लैक बता रहा है वार्षिक परीक्षा में इनका रिजल्ट सबसे अच्छा है। तो इस तरह से आप तुलना कर सकते हैं किसका ग्राफ सबसे अच्छा हुआ है, तो इसका सबसे अच्छा उछाल हुआ है। तो डबल बराबर ग्राफ बहुत ईजी है, आप चाहिए ना, आप जाइए ना, आपको इतना पढ़ा दिया ना, आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, कहते इस संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आप सजा दीजिए बढ़ते क्रम में, तो एक एक जितना एक था एक एक और एक इधर भी था, इसको एक साथ में लिख लिया, समान अंक वाले को साथ में लिख दिया। अब देख रहा हूँ सबसे अधिक बार कौन आया है, तो इसमें एक जो है सबसे एक जो है तीन बार आया है, दो चार बार आ गया है, तो दो ही बहुत लोग क्योंकि परीक्षण में सबसे अधिक बार वही आया है। अब इस तरह सबके लिए चलता हूँ सर, आप एग्जाम्पल नंबर 7 पर हम आपका एग्जाम्पल कराएंगे, आपका जो भी सेल्फ वाला क्वेश्चन हो उसको भी कराएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पढ़ाई इतना दिया जाए कि बच्चे अब क्लास 10th में आके गर्दन उड़ाएंगे, इस बात को आप मान के चलिए। चलो एक क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, एक बार नोट कर सकते हैं बच्चे 7 नंबर सवाल को। एक विद्यालय में 7वीं की परीक्षा में 22 विद्यार्थियों ने 100 अंक में से प्राप्त किए हैं, और इन आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ग्राफ से भी आसानी से बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चलो अंक के ग्राफ बनाते हैं। अंक तो मैंने अंक लिख दिया, चलो तो व्यक्ति ने 10 अंक लाए हैं, 20 अंक लाए हैं, 36, 40, 50, ऐसे जो जो अंक लाए थे सबको लिस्ट बना दिया। 10 अंक कितना लाया था, एक बुरा। 20 अंक कितने व्यक्ति लाए थे, दो एक व्यक्ति। 36 अंक कितना लाया था, तीन व्यक्ति। 40 कितना लाया था, दो व्यक्ति। 50 लाया था, चार व्यक्ति। 56 अंक कितने लाए थे, दो व्यक्ति। 60 कितने लाए थे, छः व्यक्ति। और 70 अंक कितने लाए थे, तीन व्यक्ति। अब बताओ बहुलक कौन होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 60 नंबर, यानी इसका बहुलक क्या हो गया, 60। इसका बहुलक क्या हो गया, 60 हो गया। इजी है ना सर, ऐसे ग्राफ बना लोगे ना सर। हाँ, बना के आंसर लिख देना 60, और लिख देना क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता वाले 60 हैं। चलो 8 नंबर सवाल को भी कर लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। हो गया, बन गया, बना भी लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर 2 और 5 दोनों होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 भी आया है 3 बार और 5 भी आया है 3 बार, तो इसके दो बहुलक दोनों हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर लिखिए, एक छोड़ दीजिए, 2 नंबर लिखिए, क्योंकि एक तो भाई एक्टिविटी है। 2 नंबर सवाल लिखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इतने आंकड़े दिए गए हैं, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ऐसे बनाओगे, बच्चे ने बनाया वीडियो पॉज करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बच्चे ने बना लिया, तो मेरे बहुत सुंदर बच्चे हैं। चलिए देखते हैं, 8 वाला तो बना ही दिया हूँ, देखो आपको 8 वाला का बना दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 नंबर वाला बना दिया हम सेल्फ, 2 नंबर अंक वाला, मिलान चिन्ह। क्या बच्चों का 15 आंसर आ रहा था क्या, क्योंकि 15 जो है ना 10 व्यक्तियों ने लाया है, 10 को हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे। एक सेकेंड बच्चा जी, कितना सिंपल होता है बच्चा जी, देखो 12 कितने बार है चेक करो, 12 कितने बार हैं, तो 1 2 3, तो अपने टैली मार्क में 3 बनाया और फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दिया। 13 कितने बार है चेक कीजिएगा, 13, 1 2 3 4 बार हैं, 4 बार लिख दिया, टैली मार्क में 4 बना दिया। 15 हैं, 14 हैं, 15 है 10 बार, तो 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब बाकी सब मिला लीजिएगा, मैं तो मिला के देख लिया हूँ, अभी मिला के देख लीजिए, सिंपल काम करना है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो गया, अधिकतम बहुलक बहुलक जो होगा 15 होगा। क्यों, क्योंकि अधिकतम बारंबारता वाला परीक्षण कौन है, वही है 15 है, 10 बार आया हुआ है। चलो इस चैप्टर का 3 नंबर सवाल, सेम ऐसे ही बनाना है, बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो आपको इसको टारगेट इसको कैसे बनाना है, मैं इसको होमवर्क में छोड़ दिया हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ, आप बना के देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। करना क्या है प्यारे बच्चों को, मुझे देखो प्यारे बच्चे करेंगे, ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऊंचाई, ऊंचाई हो गया सेंटीमीटर में, यहाँ लिख दीजिएगा मिलान चिन्ह, और यहाँ लिख दीजिएगा बारंबारता, बारंबारता। चलिए सर एक बार देखते हैं ऊंचाई में क्या क्या है, सबसे छोटा कौन है, पहले छोटा उठाइएगा, 60 है और कोई नहीं है, तो 160 कितने बार हैं, कितने बार है 160 जी, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4th टाइम है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना प्यारे जी, हो जाएगा, हो जाएगा। अब बाकी बना लीजिए, 160 है, 161 है, 62, जो जो अंक है सबका लिस्ट बना के, और जिसकी मैक्सिमम ज़्यादा आएगा, ये होमवर्क तो करना है, क्योंकि देखो बुक में क्वेश्चन कम है। अब तुम एक दो क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा बच्चे, तो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे हम। चलिए उदाहरण संख्या 9 में आइए,
सिंपल सवाल है, एक फैक्ट्री में 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं जिसमें से 4 मजदूर हैं जिनका पेमेंट है प्रति माह 5,000 रुपया, एक उसमें एक सुपरवाइजर भी है 5 व्यक्ति, सुपरवाइजर जिसका 15,000 पेमेंट है, सबका माध्य पूछा है। अरे भाई तो कुल प्रेक्षणों का 1/2 कुल प्रेक्षणों की संख्या, क्वेश्चन लिख लिए थे 9 नंबर, चलो इसको हो गया, ये तो होमवर्क था, 9 नंबर सवाल लिख लिए थे आप। हाँ सर, तो देखो मैं स्क्रिप्ट आंसर बनाया हूँ, क्वेश्चन आप वहाँ से लिख लीजिएगा, सबको जोड़ के भाग दीजिए तो माध्य आ गया रुपया में, 7,000 प्रति महीना सबका आ गया माध्य। माध्य कैसे निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो n 5 है तो विषम है, तो n बाई टू तो 5, 6, तीनवा टर्म चेक करो, 1, 2, 3, 5,000 आया, तो माध्य भी 5 आ गया, बहुलक भी उतना ही होगा क्योंकि सबसे अधिक पर 5,000 आया है, 5,000 4 बार आया है, तो इसके लिए ज़्यादा होगा बढ़ता आने वाला मान, तो उसके बाद बहुलक भी, बहुलक और माध्य का सेम आ गया। चलो अब चलते हैं 4.2 में, आपके एक्सरसाइज सवाल को उड़ा दिया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चे बनाएंगे, खुद से आसान क्वेश्चन है, आपको एक परीक्षण दिया गया है, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन है 6, 15, 20, 120, इतना इतना इतना, माध्य माध्य का बहुलक तीनों निकालना है, माध्य माध्य का बहुलक, पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो क्या कहेंगे, पहले आरोही क्रम में, एक समय सवाल लिख लिया था अपने, आरोही क्रम में सजाने पर सजा दिया, माध्य निकाल दिया, सबको जोड़ के भाग दीजिए, कट गया 39 नंबर में, माध्य कैसे निकालेंगे, 39 हो जाएगा, सॉरी माध्य 39 आ गया, माध्य के लिए क्या कीजिएगा, 11 संख्या तो विषम है, तो विषम के लिए फॉर्मूला बहुत आसान होता है, एन प्लस वन बाई टू टर्म होता है जो 11 प्लस 1 = 12, छठा टर्म देखिए, छठा टर्म 15 था तो 15 हो गया, बहुलक भाई 15 होगा क्योंकि सबसे अधिक बार उसमें 15 है, 15 देखो कितने बार आ गया है, 1, 2, 3 बार आ गया है 15, तो इसका 15 ही बहुलक हो जाएगा। चलिए तो इसके माध्य का बहुलक दोनों फिर से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो होमवर्क देके जा रहा हूँ, एकदम उम्मीद है कि बच्चे बना लेंगे, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आप चाहे तो उसके सारणी की तरह बना लीजिए, सारणी भी बनाना सिखा दिया हूँ, या ऐसे बना लीजिए, सजा दी पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, अब इसका बहुलक और माध्यक दोनों निकलना है, सजाएंगे तो फायदा रहेगा क्योंकि बहुलक भी पता चल जाएगा कौन ज़्यादा बार आया है, और माध्यक का भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्या ये दोनों समान है पूछा है। चलो थर्ड नंबर भी आपका होमवर्क में है, ठीक है। 4 नंबर, एक फुटबॉल मैच में 10 खिलाड़ी द्वारा खेले के मैं, ये भाई ये भी होमवर्क है, सिंपल सिंपल सवाल है बच्चे, देखा पर्सनली में दम था क्या, नहीं सर। अब ट्रू फॉल्स है, माध्यक परीक्षण प्रत्येक से 12 होता है क्या, फॉल्स है भाई, माध्यक जो होता है माध्यक हमेशा 12 नहीं होता है, छोटे और बड़े के बीच में आता है, माध्यक प्रत्येक परीक्षण से छोटा होता है, गलत बात है, माध्यक सबसे बड़े और छोटे के बीच में आता है, ये बात सही है, ट्रू है, दो संख्याओं का माध्य हमेशा उसके बीच में होता है, ये भी बात सही है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है पूछा तो हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा नहीं, बहुलक सदैव आंकड़ों में स्थित होगा, बिल्कुल सही, माध्यक आंकड़ों में सदैव एक ही संख्या होगा, कोई फिक्स नहीं है, उसके पॉइंटों में आ जाता है, आखिरी का माध्य 4 है क्या, तो 5, 4, 9, 3, 12, 3, 6, हाँ बार बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका चैप्टर हो गया फिनिश। सर छोड़ेंगे नहीं, नहीं आप जो मैं बोला हूँ ना आपको थोड़ा एडवांस पढ़ाते हैं तो पढ़ाएंगे, आप कुछ बार ग्राफ भी कराएंगे, अगले चरण में कर लिए जाए, देखो 4.3 में तुम ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपको ग्राफ पढ़ा दिया हूँ, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 4.3 ट्राई कीजिएगा, लेकिन सर आपको जाने के समय देंगे, आपको अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे, क्लास 10th वाले जो क्लास 7th वाले क्वेश्चन 10th में पूछ लिए गए हैं बच्चों से, तो उसको हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अभी 3 साल पहले ही गर्दा उड़ा दे, थोड़ा एडवांस तो रहना चाहिए बच्चों को। चलिए तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लाऊंगा, आप उड़ाते चलिएगा। चलो चलो सर जी पहले सवाल को बनाइए, सवाल बनाते चलो, पहला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, बहुलक पूछा है तो बहुलक कौन बार, बहुत बार कौन आया होगा, तो 3 आया है 1 बार, 4 आया है 1 बार, 7 आया है 1, 2, 3 बार 7 आ गया है, 6 आया है मात्र 1 बार, 2 आया है 1 बार, 9 आया है 1 बार, 7 बहुत बार आया है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 7, किन किन बच्चों का 7 आंसर हुआ, सिर्फ आपको टिक करना है, टिक करना है। चलो दोनों और भी सवाल बनाइए, 1 बन गया 2 बनाइए, बहुलक कौन है बताइए बताइए, देखो इससे 2020 में तो पूछा गया, बताइए 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको, 10 क्वेश्चन, हो गया 1 का आंसर हो गया, 2 का बताइए, तो 2 का भी होगा बच्चे जी 5, देखो 1, 2, 3, 4 बना गया, क्या भाई 5 भेज जीत गए, 3 का आंसर कीजिए, किसी परमर्ता का बहुलक हो सकता होता है, क्या होता है, कम से कम नन्ना मध्यंतम नहीं भाई, सी हो जाएगा 3 का,
तीन का सी हो जाएगा अधिकतम परमार्थता वाला मान, जो अधिकतम बार बार आएगा वही परमार्थता हो जाएगा। तीन का भी आंसर हो गया। तीन क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन कराएंगे। चार बनाइए, पाँच बनाइए, चार पाँच बनाइए जल्दी से। हो गया हो गया, बच्चों ने चार बना लिया और बच्चों ने पाँच बना लिया होगा। माधिका पूछा तो पहले चलो सजाना पड़ेगा, माधिका में सजाना पड़ेगा। सजाते हैं सजाते हैं सजाते हैं। चलिए पहले छोटा संख्या कौन है, जीरो है, नहीं नहीं इसमें पाँच नंबर में छोटा कौन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अरे वही तो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये संख्या है, पहले पलट लिख दिया था, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ बिल्कुल सही है। अब इस समाधि के कौन होगा, सात में क्या बताया था, सात विषम संख्या है, तो फार्मूला सिंपल है, एन प्लस वन बाई टू कर दीजिए, यानी सात वो संख्या है तो सात प्लस एक बाई टू कर दीजिए, आठ बाई टू, यानी फोर्थ टर्म, एक दो तीन चार, चार आ रहा है तो इसकी माधिका हो गई चार, सी हो जाएगा, पाँच का सी हो जाएगा। अब बच्चा जी मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा वही बनाइएगा, क्षेत्र बढ़वा दिया हूँ, ये सब बन गया है, अब सिर्फ माधिका वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, माधिका वाला माधिका वाला माधिका वाला, जो क्वेश्चन बोलेंगे वही बनाइएगा। तो इधर से पाँच क्वेश्चन हो गया, पाँच क्वेश्चन के बाद आपको सिर्फ बहुलक वाला क्वेश्चन कराना है और कुछ परिसर वाला क्वेश्चन कराएंगे। चलो माधिका क्या होगा, ये वाला सवाल बनाइए, 47 नंबर, 47 और बनाइए, तो माधिका क्या होगी जल्दी बनाइए, ये होमवर्क भी रहेगा आपका। आंसर बता दें क्या, 47 का, 47 का दिया है ए नंबर, 47 का आपका आंसर ए आना चाहिए, देख लीजिएगा। और माधिका से एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, छः क्वेश्चन हो गया। चलिए सात सातवां सवाल में आइए, सातवां सवाल, और ये आठवां सवाल, 59 जहाँ जहाँ मार्क लगा रहा हूँ, ये आठवां आठ सवाल बन गया, 10 को बोला 10 ही बनवाएंगे, ये 9 बना लीजिए, एक ये बना दीजिए, परिसर आ जाएगा आपका, 10 हो गया सवाल। बस बच्चों के लिए इतना ही, नहीं तो बच्चे बोले सर कितना क्वेश्चन कराते हैं, चलो ये अच्छे को हो गए, इतना से आपका क्लास टेंथ में काम चल जाएगा, आप क्लास टेंथ में आके एमसीक्यू वाले सवाल इजीली बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत सहयोग चाहिए सर को, धन्यवाद बच्चा जी।